दीपांशी दीपांशी बेटा बाहर को आइए लाली। हाँ जी पिताजी। दीपांशी बेटा चाय बना ला, मुझे चाय पीने के खेत को भी जाना है। वो पिताजी मैं तो अपने कमरे की साफ सफाई कर रही हूँ, आप पूजा दीदी से बोल दो, वो बना देंगे आपके लिए चाय। पूजा, ए पूजा बताओ जी, इसे भी कई हाँक मार ली, यू भी ना सुन रही, महारे तो कोई सुनता ही ना इस घर में। अरे सुनो, पिताजी की आवाज मार रहे इतनी? मुझे नहीं पता, जाके पूछ लो। ठीक है मैं पूछ लूंगी। ए बहू तुझे सुना ना आगे, कद का रुक के दे रहा हूं मैं, बाहरे को आ जा। हाँ पिताजी बताओ क्या बात है। बेटा मैं यूं कह रहा था, मुझे एक कप चाय पिला दे, मैं पी के खेत को चलूं। पिताजी मैं ना उनके कपड़े धो रही हूँ, आप दीपांशी से कह दो वो बना देगी आपके लिए चाय। दीपांशी से कहूँ तो तुझे कह दे, तेरे से कहूँ तो तू दीपांशी को कह रही है, यूं के काम चलेगा? हमें कुछ खाने पीने को ना मिले इस घर में। ठीक है पिताजी आप बैठो, मैं पहले कपड़े धोऊंगी फिर मैं आपको चाय बना के दूंगी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ धोगी बा बिल्कुल, जा धो ले लेते। ये करे भाई, ले हम तो बिना खाए पिए चले जाएंगे, यूँ खेत का काम थोड़ा बिगाड़ा जा इनके ऊपर। मुझे तो यूँ लग रहा मेरे दोनों बेटे नलायक निकट गए, बहुओं के गुलाम हो रहे हैं, वे इन्हें कैडी रखे तो भला खाने पीने को ना दे हमें टाइम पे। हद होगी बिल्कुल, क्या करा जाएगा भाई, चलो जी जो होगा देखा जाएगा, खेत तो आएगी खा पी लेंगे कुछ। पूजा पूजा, अजी आ गए आप, बताओ क्या बात है। मैं ये कह रहा था जब खाना बन गया तो खाना लिया, मुझे भूख लग रही है। वो जी मैंने खाना नहीं बनाया, मैं तो कपड़े धोती, अजी दीपांशी ने बनाया होगा, उससे पूछ लो। क्यों तूने क्यों नहीं बनाया, कपड़े धोने जरूरी थे, पहले खाना बना देती मेरे लिए। अजी कैसी बात कर रहे हो आप, रोज तो मैं बनाती हूँ ना आपके लिए खाना, आज मैंने नहीं बनाया, उसने बनाया होगा, पूछ लो आप उससे। ठीक है दीपांशी दीपांशी। जी भाई साहब। खाना बन गया होगा, जाओ खाना ले आओ मेरे लिए। खाना मैंने तो नहीं बनाया, खाना दीदी ने बनाया होगा। खाना तो मैंने भी नहीं बनाया, क्यों तुम खाना नहीं बना सकती थी आज? क्यों आप नहीं बना सकती थी, आपको पता नहीं था कि मैं अपने रूम की सफाई कर रही थी? तो मैं भी तो कपड़े धो रही थी ना। तो मैं भी तो काम कर रही थी, मैं दिन भर काम नहीं करती घर का सारा। क्यों मैं तो रोज ही खाना बनाती हूँ, अगर आज तुम बना देती खाना तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता क्या? क्यों मैं रोज घर की सफाई नहीं करती? अब तुम मेरे से ऐसी बात करोगी, मैं तुमसे बड़ी हूँ। तो मैं भी आपसे छोटी हूँ, इज्जत दोगे तो लोगे, वरना ऐसे नहीं होने का। मैंने तुमसे बेइज्जती से बातें कब करी? तो क्या घर का सारा काम करने की जिम्मेदारी मेरी है, मैंने ठेका ले लिया इस घर का। तो मैं भी तो खाना बनाती हूँ ना, आज तुम बना देती। हाँ दो टाइम का खाना बना के तो तुम तो पता नहीं क्या कर देती हो। दो टाइम? एक दिन तुम बना के देखना खाना और मैं करूंगी सफाई, फिर तुम्हें पता चल जाए खाना बनाना कितना वो है। हाँ घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े तुम ही करती हो ना, अपने दो चार कपड़े लेके बैठ जाते हो रोज डेली धोने के लिए बस। झाड़ू पोछा बर्तन अपने ही तो करती हो, कौन सा हमारे कपड़े धो देती हो, इनके ही मैं ही धोती हूँ। हाँ तो ये भी मैं ही धोऊंगी क्या, जेठ के कपड़े भी मुझे धोने की जिम्मेदारी हो गई क्या, आपको किस लिए लाए थे फिर ये? अच्छा अब तो तू मेरे से तू लगा के बात करेगी, तू इतनी बड़ी हो गई? तेरे से बड़ी हूँ मैं और ज्यादा जुबान जलाने की जरूरत नहीं है। तो मैं भी आपसे छोटी हूँ, इतनी जवान मेरे से लड़ाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक मिनट में सारा सामान देके ना घर से बाहर कर दूंगी। अच्छा तुमने इस घर की चौधर ले ली दिखे? हाँ ये मेरा घर है और मेरे पति का घर है, तेरा कुछ नहीं है इस घर में। क्या मेरा मेरा करे जा रही है, मेरे भी पति का घर है और इस घर में भाग के नहीं आ रही, ब्याह के आ रही हूँ, समझ में आ गई? अच्छा
तू ब्याह के आ रही है और मैं तो भाग के आई थी। इतनी बकवास करने की जरूरत नहीं है, वरना एक तमाचा दूंगी खींच के। तुम मार दोगे और मैं पिट लूंगी, है ना? हाँ तू पिट लेगी। क्यों पिटूंगी? क्यों नहीं पिटेगी, मैं बड़ी हूँ। तो तू बड़ी है क्या, मेरे सर पे नाचेगी? हाथ उठाना मुझे भी आता है। देख बहुत देर होगी तेरी बर्दाश्त करते करते, अगर अब तू फालतू बोली ना तुझे खाट में मारूंगी। देखे खाट में मारेगी? देखे हे भगवान, देख रहे हो जी, अब ये मुझे खाट में देके मारेगी। इसी दिन दिखाने के लिए तो लाए थे आप मुझे, मरवाओ मुझे खाट में देके। सही है। अरे तुम दोनों चुप हो जाओ, मुझे ना खानी रोटी राटी। हाँ निशांत कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ गए हैं। हाँ घर में नहीं होगा ना, तभी बोल लिए तू आज इतनी। हाँ अभी मुझे ही बोलियो। अरे क्या हो गया, किस बात पे झगड़ा हो रहा है? होता क्या, इसे देख ले कितनी बोल रही है आज। क्या बात होगी ये तो बताओ। पूछ ले इन दोनों से क्या बात हुई। देख लो जेठ जी को, जेठानी जी का पक्ष ले रहे हैं, मुझे उल्टा सीधा सुनाए जा रहे हैं। अरे क्या बात होगी, किस बात पे सुना रहे हैं, पूरी बात तो बता पहले। अरे मैं बताऊंगा बात, कुछ भी बात ना है, बस रोटी के ऊपर बात है। ना इसने बनाई ना इसने बनाई, अरे आपस में लड़ हो रही है। हाँ भाई क्यों ना बनाई रोटी? क्यों आपको पता नहीं है कि मेरा साफ सफाई का काम है और इनका रोटी का? क्यों देवर जी, अगर एक दिन मैंने रोटी ना बनाई तो ये बना ना सकती थी, आफत आ जाएगी कोई सी। हाँ भाई सही तो कह रही है, एक दिन ये रोटी बना दी तो क्या चला जाता। भाई जब रोटी बनाने का काम इसका है तो यू ही बनाएगी रोटी, वो क्यों बनाएगी? देख रहे हो जी, अब देवर जी भी ना इसका उसका करने लगे, इन्हें बोलने की तमीज न रही, इसके भकाए में चलने लगे। अच्छा तो मेरे पति को बोल रही है जैसे जेठ जी तो तेरे सिकाई में चलते ही ना हो। ए आवाज नीचे, ये मेरे पति हैं, इनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुझे। ए वो मेरे पति हैं, उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुझे। तेरे पति आगे क्यों लड़ रहे हो तुम, क्यों घर सीट बैठा रखा है तुमने, हद कर दी बिल्कुल। क्या बताऊं पिताजी, किसी चीज के ऊपर लड़ाई नहीं, सिर्फ लड़ाई है खाने के ऊपर, ना इसने खाना बनाया ना इसने खाना बनाया। बिल्कुल हद होगी भाई, खाना भी ना बने आप लोग। अरे मैं तो बिना चाय पियो के आई था खेत को, क्या हो रहा है इस घर में? अरे क्यों अलाकरण कर दिया तुमने, बिल्कुल मिलजुल का काम नहीं कर सकते। आज इसने ना बनाई तू बना लेती। क्यों पिताजी, जब रोटी बनाने काम इनका है तो मैं क्यों बनाऊं? पिताजी मैं तो रोज ही बनाऊं, अगर आज यो बना देती तो कोई आफत आ जाती, आप ही बताओ। आफत तो इनकी जान को हो रही है, तेरे सुधरे लुगाई के गुलाम हो रहे, कैसे जेबों में हाथ दियो खड़े। चले जाओ मेरी आंखों आगे थे, बेशरम कहीं के। इन्होंने तो गैल में मारी भी हत्या कर रखी है। बालक तो ठीक थे मारे, बहु ही अच्छी खानदानी आई मारे, ये कैसे काम चलेगा भाई यू? अभी तो पता नहीं, देखो क्या होगा आगे आगे। हम तो रोटी खाना आए थे, खवा दिया हमें तो घेसड़े। हाँ जी मेरी सुन लो एक बात, अब तो ना मैं तुम्हारे पिताजी की रोटी बनाऊं और ना बनाऊं तुम्हारे भैया और भाभी की, ठीक है? हम नियारे होएंगे, मेरे बस की ना इनकी इतनी बकवास सुननी। बड़ी है क्या मेरे सर पर चढ़ के नाचेगी? अरे कैसी बात कर रही है तू, क्या करके मानेगी अब? नारे हो जाओ बस, जाके पिताजी से बात करो, तुम्हारी और अपनी रोटी बना सकूं मैं और अपने हिस्से की सफाई कर सकूं, नू थोड़ी के सारे घर की सफाई मेरे जिम्मे पड़ गई। अरे यार तू दिमाग तो खराब करे मत ना, जैसा चल रहा है ऐसे चलन दे, न्यारे व्यारे की तो बाद में देखेंगे। तुम्हें नहीं करनी ना बात, तो ठीक है मुझे मेरे घर छोड़ कर आओ। चल ठीक है, जैसा तू कह रही है मैं वैसा कर लूंगा, पर तू घर छोड़ कर जाने की बात मत करे कर मेरी जान। तो जाओ फिर करो जाके बात। अरे आज रहन दे, आज पिताजी गुस्से में है, कल कर लूंगा मैं उनसे बात। अब एक काम कर, मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए खाना लिया जा क्या। हाँ तो ठीक है, तुम्हारी और अपनी रोटी बनाऊंगी और किसी की नहीं बनानेगी मैं। ठीक है जा। ठीक है ना? ठीक है तू रोटी बना ले जाके बस। ठीक है। अरे क्या हो गया, अब क्यों मुंह बना के बैठी है? बस आप रहने दो, आपने तो कुछ भी नहीं कहे, आपने उसे देखा, मैं उससे बड़ी हूँ, उसने मेरे से कितनी बदतमीजी से बात की, उसे बात करने की भी तमीज नहीं है। और हाँ वो देवर जी वो भी उसकी पक्ष ले रहे हैं, अब मेरे पे नहीं रहा जाएगा इस घर में, मैं नहीं बनाऊंगी किसी के लिए खाना, मुझे तो अलग होना है। यार तू कैसी बात कर रही है, हम सब एक फैमिली है, परिवार है यार, ऐसा नहीं करा करते। कैसे नहीं करते और कैसी बात कर रही मैं, आप ही बताओ ना,
अगर कोई आपको ऐसे कहे आप रह लोगे उस घर में, मेरे से तो बिल्कुल नहीं रहा जाएगा जी। अगर आपको चलना है चलो, वरना मेरे पापा को फोन कर देना, वो आके ले जाएंगे मुझे। देख ऐसी बात क्यों कर रही है तू? और कैसी बात करूँ, मैं यहाँ बेइज्जती करवाऊँ क्या अपनी? इस दिन के लिए लाए थे आप मुझे ब्याह के? अरे यार तू घर जाने की बात क्यों कर रही है? मुझे पता है उन लोगों ने तेरे साथ गलत करा। मुझे ये भी पता है कि तू ही सबका खाना बनाती है, आज वो बना देती तो कुछ नहीं जाता। लड़ाई तो उसने ही करी है। लेकिन बाबू तू ऐसी बात मत करे घर वगैरह जाने की, तू जैसे कहेगी ना मैं वैसे ही करूँगा। तो ठीक है, आप जाके ना अपने पिताजी से बात कर लो, मुझे आज ही नहीं आ रहा हो ना। अरे यार तुझे पता ही है अभी बाहर पापा कितना गुस्सा कर रहे थे, आज उनका मूड खराब है, कल बात कर लेंगे। यार आप हर काम कल पे की छोड़ते हो, मुझे आज ही नहीं आ रहा होना है, आप जाके पिताजी से बात कर लो ना। पक्का मैं कल बात कर लूंगा उनसे, आज वो गुस्से में समझा कर। पक्का कर लो ये कल बात? हाँ हाँ पक्का कर लूंगा। ठीक है फिर, सुनो अब आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए खाना बना के लाती हूँ। और हाँ जी, बस मैं हम दोनों के लिए खाना बना के लाऊंगी, उन लोगों के लिए नहीं। यार पिताजी के लिए तो बना दियो खाना। पिताजी के लिए मैं नहीं बनाऊंगी पिताजी के लिए खाना, मेरे बस की ना है खाना वाना बनाना, छोटे वाली बना देगी। ठीक है भाई जैसा कर रही हो कर लो। राम करो यार सर में दर्द हो गया आज तो। पिताजी हमें आपसे एक बात करनी है। हाँ बता क्या बात है। पिताजी कैसे कहूँ, पिताजी हमें नहरा होना है। हैं? यूके कह रहा तू? पिताजी भाई सही कह रहा, हमें होना अब नहरा। हाँ बेटा इस बात का तो मुझे पहले ही डर था, अखथरी ज्यादा दिन साजे में गाड़ी चलने वाली है नहीं। ठीक है पिताजी कर दो हमें नहरा। हाँ हो जाओ नहरे, अब काम भी ना चले थारा साथ में। एक काम करो तू तो नीचे रह ले और ये ऊपर रह लेंगे। तो पिताजी तुम कहाँ रहोगे फिर? मैं तो बेटा नीचे रह लूँ बैठक में, और के चाह मुझे तो दो रोटी चाह। मैं तो बनाने की नहीं पिताजी की रोटी। अच्छा जब यू नहीं बनाने की तो मैं क्यों बनाऊंगी, मैं भी नहीं बनाने की रोटी। अच्छा बेटा समझ गया मैं, यू लड़ाई मेरी वजह से ही हो रही है, समझू चाह रहे हो मैं ही ना रहूं इस घर में। पिताजी जैसा तुम्हारा मन करे ना वैसा कर लियो, और हाँ हम दोनों ने बनाया था रोटी। रे बेटा मैं कहाँ जाऊँ अभी इस बुढ़ापे में। हाँ पिताजी दीदी ठीक कह रही है, एक काम करो तुम जाके घेर में रह लगो, जहाँ घेर में मजदूर रह रहे वहाँ तुम भी रह लोगे कोई मुसीबत ना आने की, और अपनी दो टाइम की रोटी बना लो अपने आप, हमारे बस की ना है। सुन रहे हो तुम के कह रही है, तुम्हें बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं आ रही? रे मन्ने तुम्हें इसीलिए पाल पोस के बढ़िया करा करता के हैं? क्यों चुप हो रहे हो, तुम्हें सांप सूंघा के यही दिन देखने बाकी थे बुढ़ापे में मुझे। रे अब इस उम्र में कहाँ जाऊं मैं? रे बोलो ना अब चुप क्यों खड़े हो, वैसे तो बतेरी जुबान चले थारी, बिल्कुल लुगाइयों ने गुलामी बना दिए, जैसे ये चाहेंगी वैसे ही होगा इस घर में। पिताजी अगर तुम हमारी खुशी चाहते हो और इस घर को बस्ता देखना चाहते हो ना, तो आप घेर में जाके रह लो। ठीक कह रही है ये। हे भगवान यू दिन दिखाने से पहले मुझे ठाया क्यों ना लिया तन्ने, जिन नलायकों को मैंने अपना बुढ़ापे का सहारा समझा वही मुझे बेसहारा करने पे तुले हुए हैं। पिताजी तुम ज्यादा ड्रामा तो करो मत ना। पिताजी तुम चले जाओ अब घेर में, हमें चैन से रहन दो यहाँ। ठीक है बेटा जा रहा हूँ मैं, तुम चैन से रह लियो अब। चलो जी अब अंदर चलो, वो तो गए।
तुम्हें भी कहना पड़ेगा क्या ज्यादा प्यार आ रहा है अपने पिताजी पे। चलो ताऊ, क्या ताऊ है क्या? पिताजी तो घेर में है। घेर में गए हैं? आर्यन और निशान? उनका ना पता हमें। अच्छा चलो ठीक है, मैं घेर में मिल लूंगा ताऊ से। ठीक है। ये भी हमारे घर में मंत्री बनने को आते ही रह गए। हाँ ठीक कह रहे दीदी, तुम आया होगा चुगली करने, चल तू भाड़ में जाए। ताऊ यो के कर रहा तू, घर वालों ने रोटी ना दी? बाबू जना लाला मेरी गल तो बहुत चाड़ा हुआ। के हो गया? मैं तो घर गया था, तुम्हारे बेटे की बहू तो नुगैर थी, वो तो घेर में गए, मैं तो कुछ काम आया था, मैंने देखा यहाँ तू रोटी बना रहा, ऐसे ताऊ के हो गया? बा बेटा पूछ जाना, मुझे बहुओं ने मेरे बेटा को सिखा के घर तक कटवा दिया, वो कहते घेर में रह ले और वहीं पर होके खा लिए। अच्छा तो बहुत बुरा काम करा उन्होंने। बताओ बुढ़ापे में यो काम कर रहे हो तुम? चलो मैं जाऊंगा घर, मैं बताता हूँ। ना बेटा तू मत कहिए कुछ भी, कभी मुझे यहाँ तक भी लिखना पड़ जा। ना ताऊ मेरे पे वो सब काम देखा ना जा रहा तेरा, ये तो बड़े नालायक निकले दोनों भाई। बताता हूँ तन्ने उनके लिए क्या क्या नहीं करा, और आज तुझे उन्होंने घर से निकाल दिया। मुझे मत ना, उनकी बात तो छोटी छोटी छोड़ के मर गई थी, अपने हाथ से पोए पो के खवाया मन ने उन्हें। कुछ नहीं ताऊ तुझे भोजा, मैं भी आ रहा हूँ। अरे दीदी मान गए आपके दिमाग को, आपने तो क्या आइडिया लगाया कि ससुर जी को बाहर निकलवा के छोड़ा। मैंने कहा था ना तुमसे एक ऐसा पेज फेंकूंगी तुरंत ससुर जी बाहर। बहुत अच्छा किया आपने, वरना हम तो सोच ही रहे थे कैसे करूं, अगर आप दिमाग नहीं लगाते ना तो शायद ऐसा होता ही नहीं। अरे क्या बात हो गई, क्या कह रहे हो तुम लोग? कह तो कुछ ना रहे, वो तो हम बातें कर रहे थे आपस में। बातें कर रहे थे? वैसे तुम इतने ज्यादा लड़ रही थी, आज बड़ा प्यार आ रहा तुम दोनों में। हाँ भैया सही कह रहे हो तुम, वैसे तो ये दो दिन से इतना लड़ रहे थे, आज पता ना क्या हो गया जो इतना प्यार से बात कर रहे हैं दोनों। हम क्यों लड़ते, ये तो हमारी चाल थी पिताजी को घर से बाहर निकालने की। हाँ हाँ ये सही कह रही है, हमारी चाल थी है। और हाँ हम दोनों ना सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से। चाल थी पिताजी को बाहर निकलवाने की, कुछ समझे नहीं हम। अरे अब तो समझ गए ना आप? हाँ समझ तो गया मैं। अरे आर्यन क्या हाल है राज भाई? बढ़िया। और निशांत? बहुत बढ़िया भाई। लो बैठो। और बताओ जी कैसे आना हुआ? बस आज मैं तुम दोनों से मिलने आया था, पर तुमने अपने पिताजी के साथ बहुत बढ़िया काम करा। समझे नहीं भाई हम, क्या कहना चाहते हो तुम? कहना क्या चाह रहा था, जिस बाप ने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, आज तुमने उसी घर से उसी बाहर निकाल दिया। तुम्हें क्या पता जब तुम छोटे थे तुम्हारे बाप ने क्या क्या नहीं किया, अपने हाथों से रोटी बना बना के तुम्हें खिलाई है, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें बचपन में छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई थी, और तुम्हारे पिताजी ने बड़े कष्टों के साथ तुम्हें पाला है, और आज उनके प्यार का तुमने ये सिला दिया। अरे थू है मुझे तुम्हारे जैसे बेटों पे। और हाँ अगर थोड़ी सी भी शर्म है ना तो अपने पिताजी को अपने घर में ले आओ। भैया ये हमने क्या कर दिया इनके चक्कर में आके, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ भाई सही कह रहा तू। खड़ी हो, लेकर आओगी पिताजी को या ना लाओगी घर में? हाँ जी जैसा आप कहोगे वैसा कर लेंगे हम। अगर जो आज मना कर देती ना जिंदा गाड़ देता तुझे, ये सारी प्लानिंग तेरी थी ना।
अब दोनों खड़ी होकर शकल क्या देख रही हो? चलो पिताजी को लेने चल। सुनीता, अरे तू तो मुझे छोड़ के चली गई और मुझे यहाँ दुख देने को छोड़ गई। अरे मेरे पे ना पोई खाई जाती, ये दिन देखने पड़ गए। ये भगवान है, मुझे भी उसके दौरे बुला ले। पिताजी, पिताजी हमें माफ कर दो पिताजी, घर चलो पिताजी। चले जाओ यहाँ, यहाँ के लेना है तुम। पिताजी, पिताजी प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई पिताजी। हाँ पिताजी, हमें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें माफ कर दो। तुम्हें तो मेरा ही दुख था, अब तो तुम्हें रहने को कोठी भी दे दी मन्ने। मुझे रहने दो, मेरे हाल पे छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं आप ऐसा मत बोलो। ना ना मुझे विश्वास ना तारे पे। पिताजी हमें माफ कर दो पिताजी, पिताजी घर चलो पिताजी, पिताजी चलो। अरे फिर दुर्गति करोगे तो मेरे लिए जाके। ना पिताजी, हम आज के बाद ऐसा ना करने के, हमें कल आ गई पिताजी, हमें माफ कर दो पिताजी, घर चलो। चलो फिर तुम इनकी बात तो मान जाओगे। ना पिताजी, हमारी आंखें खुल गई अब। पिताजी हम दोनों आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे, आपको अपने पापा की तरह रखेंगे। चलो पिताजी। पिताजी, पिताजी हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का पछतावा है, आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा पिताजी। पिताजी हमें माफ कर दो पिताजी, हम आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तुम्हें तो अपनी गलती का एहसास होगा जी बतेरा।